एक चेहरे की बात करना भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही है, और विपक्ष के पास बहुत सारे दल, बहुत सारे नेताओं का होना और विपक्ष की ताकत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूँ आपके साथ ज्योति शर्मा। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से दो विषयों पर चर्चाएं तेज हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेंगे या नहीं, और दूसरी विपक्ष जोड़ो अभियान सफल होगा या नहीं। अब दोनों विषयों को लेकर महागठबंधन के अंदर गहमा गहमी तेज है। बात अगर नीतीश कुमार की करें तो दोनों विषय को लेकर उनकी स्थिति क्या है, तो दोनों मामलों में उनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और ये भरोसा दिलाया था 2024 में भाजपा के खिलाफ विपक्ष गोलबंद होगा। हालांकि उनका विपक्षी दलों के नेताओं से मिलने का कोई ठोस परिणाम अभी तक सामने नहीं आया है। इन सबके बीच अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी विपक्षी नेता के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस समय दिल्ली गए हुए हैं। वो वहां सिंगापुर से इलाज कराकर लौटे अपने पिता लालू यादव से मिलने के लिए गए हुए हैं, लेकिन अब उनकी दिल्ली यात्रा को राजनीतिक रूप से काफी खास माना जा रहा है। इसका कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की तस्वीरें भी तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है। साथ ही मुलाकात में किस विषय पर चर्चा हुई इसका भी जिक्र किया है, जिस पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि तेजस्वी यादव भी विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुट गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हम सबों को मिलकर देश बचाना है। वहीं अब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने को लेकर भाकपा माले की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भी प्रधानमंत्री पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार हैं। विपक्ष के बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। चेहरा नीतीश कुमार, हमें लगता है कि अभी इस समय चेहरे पर बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं, और बहुत नेताओं का होना ये मुझे लगता है कि अपोजिशन की मजबूती है, ये कमजोरी नहीं है। एक चेहरे की बात करना भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही है और एक तरह से कमजोरी है, और हमें लगता है कि विपक्ष के पास बहुत सारे दल, बहुत सारे नेताओं का होना ये भारत की खूबसूरती है और विपक्ष की ताकत है।